ज्वाइन मी इज डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश दिनेश शर्मा जी। सर, आज आपने लाइव रेसलिंग देखी यहाँ पर, प्रो रेसलिंग लीग, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बहुत पुराना आपका नाता रहा रेसलिंग के साथ। देखिए, मैं पहली बात तो बधाई देना चाहूँगा कार्तिकेय जी को और ब्रजभूषण शरण जी को। ये जो हमारा भारतीय कुश्ती संघ है, इसने यहाँ के नौजवानों को जो नए नए पूरी दुनिया के पहलवानों के यानी कुश्ती की विधा में जो रूल्स और रेगुलेशंस बदले हैं, उनकी जानकारी देने के लिए पूरी दुनिया से लोगों को यहाँ पर बुलाया है। और कुश्ती को पॉपुलर करने के जितने भी तरीके हो सकते थे उसको अपनाया है। हमारी भारतीय परंपरा के अंतर्गत जो अखाड़े की कुश्ती थी, जिसको फ्री स्टाइल कुश्ती बोलते थे, उस कुश्ती में और आज ये गद्दे की कुश्ती में बहुत अंतर हो गया। वो पहले वाला धोबी पाट, कमर ढाक, गिस्सा दांव, ये अब बीते हुए बातें हो गई हैं। अब चंदगी राम, दारा सिंह और उन लोगों का सतपाल का युग जो है बदल के दूसरा युग आया है। तो इसमें नई तकनीक का, नई चीज़ों का जब तक पहलवानों को पता नहीं होगा, तब तक हमारे 125 करोड़ के हिंदुस्तान में कुश्ती के प्रति इतना आकर्षण, ज़बरदस्त आकर्षण है, लेकिन लोग निकलते नहीं। मैंने आज इनको आमंत्रण किया कि हमारे उत्तर प्रदेश आइए, और लखनऊ में भी हम लोग चाहेंगे कि कुश्ती का एक केंद्र बने। उत्तर प्रदेश के पहलवान पूरे भारत में, दुनिया में जाने जाते हैं, और इस प्रकार की जो प्रतियोगिता है, मेरे पिताजी तो खुद में एक समय के बहुत बड़े पहलवान थे, और उन्होंने पाकिस्तान के जो एशिया चैंपियन था सादिक को पटका था, फिर वो मट्टी वाले अखाड़े की कुश्ती थी। आज उसमें बहुत परिवर्तन है, लेकिन आज निश्चित रूप में देख कर मुझे लगा ये जो पारंपरिक खेल हमारे हैं, कबड्डी है, कुश्ती है, हॉकी है, इसकी बहुत ज़रूरत है प्रोत्साहन की, और ये प्रोत्साहन आज यहाँ पे इन्होंने दिया है। मैं इनको साधुवाद देता हूँ। परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, भारतीय रेसलर्स जब विदेशी रेसलर्स के साथ लड़ते हैं, आपको लगता है प्रो रेसलिंग लीग से इंडियन रेसलर्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है वर्ल्ड स्टेज पर? हाँ, निश्चित रूप में हमारे पहलवानों के दमखम में कमी नहीं है, केवल दांव पेंच के नियमों का जानकारी ना होने से कभी कभी वो जीतने के प्रत्याशिता के बावजूद हार जाते हैं। तो आज मैं यही देख रहा था कि हमारे पहलवान सीख रहे थे, और पहलवान सीखते सीखते एक दो लोगों ने तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दी, और परफॉर्मेंस देने के विदेशियों को मात करने का, जो ओलंपिक तक में खेले आए हों उनको उन्होंने परास्त करने के लिए जहां जितना प्रयास किया वो बहुत बड़ी चीज़ है। अब नई स्टाइल की कुश्ती में कमर से ऊपर दांव लगाना, नीचे कमर से नीचे छू ही नहीं सकते, तो उनको दूसरी चीज़ें सीखना है। लेकिन जो भी है, प्रतियोगिता में एक इनको प्रोत्साहन मिला है आज, और ये जो लीग है ये पूरे देश में अलग अलग हो, हरियाणा है, पंजाब है, हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ के पहलवान निश्चित रूप में भारत के लिए गोल्ड मेडल ओलंपिक में उसकी भरमार कर सकते हैं। प्रो रेसलिंग लीग को उत्तर प्रदेश में देखेंगे अब? हाँ, निश्चित देखेंगे। मैंने तो आज आमंत्रण दिया है, हमारे लखनऊ आइए, और इन्होंने मेरे आमंत्रण को स्वीकार भी किया है। जो सुविधा होगी, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार है, मुख्यमंत्री जी की हमेशा से अपेक्षा है कि खेलों को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा दें, और निश्चित रूप में इनका कोई प्रस्ताव होगा, उस पर हम लोग सोचेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के दिनेश शर्मा जी, जो हमसे खास बातचीत कर रहे थे आज, जब सातवें दिन जो मुकाबले चल रहे हैं उसके, उसको उन्होंने लाइव देखा, और उसके बाद क्या इनका कहना है कि दे विल डेफिनेटली इन्वाइट प्रो रेसलिंग लीग इन उत्तर प्रदेश एज वेल। This is Ashwarya Jain for NewsX in New Delhi.